अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेहिचक हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कॉमर्स ट्यूब और आज का जो टॉपिक है वो है रॉयल्टी। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप इससे पहले 1 और 2 पढ़ चुके हैं, अभी हम 3 नंबर बनाने जा रहे हैं। बनाने से पहले मैं एक बार क्वेश्चन को समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक रॉयल्टी कंपनी ने 1 जनवरी 2008 को एक कोयला क्षेत्र 25 वर्ष के लिए लिया, मतलब आपने 25 साल के लिए जो है कोई कोल्ड फील्ड या कोयले का क्षेत्र लिया हुआ है। रॉयल्टीज जो है 5 रुपया पर टन है, न्यूनतम किराया 25,000 वार्षिक है, लघुकार राशि की वसूली पट्टे के प्रथम 5 वर्ष में किए जाने का अधिकार है, और ये 3 × 2 = 5, 5 वर्ष का आउटपुट दिया हुआ है, ठीक है ना। एमआर जो है कितना है, 5 रुपया पर टन है, 2008 से काम शुरू हुआ है, लास्ट है 11। आइए हम यहाँ पे ईयर लिखते हैं, 2008, 9, 10, 11 और ये 12। 8 में कितना है, 4,000 टन आउटपुट इन टन में है, टन्स रॉयल्टी एट द रेट ऑफ RS 5 per ton PT। 4,000 है, 4×5 कितना हो गया, 5 से गुना कर लेंगे हम, ये हो जाएगा 20,000। MR दिया हुआ है कितना, 25,000 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ जो है आपको शॉर्ट लग गया कितना, 5,000, और यहाँ पर जो है पेमेंट कर दो कितना, ये कॉलम है, यदि आपको इसमें दिक्कत है तो दोबारा हम रिप्ले कर लेते हैं। ईयर है आउटपुट इन टन्स, रॉयल्टी एट द रेट ऑफ RS 5 per ton, MR है शॉर्ट वर्किंग है, शॉर्ट वर्किंग वर्किंग रिक्यूप्ड है, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड है, और यहाँ लास्ट में है अनरिक्यूप्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू PL, ठीक है ना। तो 8 में काम किया था आपने 4,000 टन का, 1 टन का है 5 रुपया, बन चुका 20,000, रॉयल्टी हो गया, MR है 25, आपने कम काम किया है 5,000, 5,000 का शॉर्ट लग गया, पेमेंट करना है 25,000, ठीक है ना। 9 में दिया हुआ है 4,200, 5 से गुना करेंगे हम, 4×5 = 20, 21,000, यहाँ भी MR कितना है 25, यहाँ पर खुद आपको शॉर्ट लग गया 4,000 का, और पेमेंट कर देना है कितना, 25,000, ठीक है। आगे 2010 में, 10 में क्या है, 5,000 टन आउट पर है, 25,000 हो गया, MR भी संयोग से 25,000 है, यहाँ जो रॉयल्टी MR बराबर हो गया है ना शॉर्ट लगा ना वसूल करना है, पेमेंट कर दो कितना, 25,000, ठीक है। आगे जो है 5,500 और 6,000, ये 5,500 है और ये 6,000 है, 27,500, 5 से गुना कर लिए हम, 54,000, 30,000, MR कितना है दोनों का ही, 25,000 है, 25,000 है, यहाँ आपने 2,500 रुपये अधिक काम किया है तो रिक्यूप कर लो, पेमेंट कर दो 25,000, यहाँ पर 5,000 आपने अधिक काम कर लिया है तो 5,000 वसूल कर लो, पेमेंट कर दो 25,000। तो शॉर्ट लगा था 5,000, 9,000, 9,000 में से 2,500 और 5,000, 7,500 तो वसूल हो गया, कितना बच गया, 1,500, उसको डाल दो PL में, क्योंकि 5 वर्ष आपका पूरा हो चुका है, कोई दिक्कत है। आइए एक बार इसको हम रिप्ले कर लेते हैं, ये 4,000 है, 5 से गुना किया हमने, रॉयल्टी हो गया 20,000, ये 4,200 है, 5 से हमने गुना किया 21,000, ये 5,000 है, हमने 5 से गुना किया 25,000, ये 5,500 है गुना 5, 27,500, 6,000 × 5 रॉयल्टी हो गया 30,000, MR है 25,000। क्वेश्चन कहता है कि इफ एनी शॉर्ट वर्किंग रिक्यूट फर्स्ट रिक्यूप 5 ईयर्स, 5 साल में आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर काम हुआ है 20 का, MR है 25, 5 का शॉर्ट लग गया, पेमेंट कर दो 25,000। यहाँ पर 21 काम हुआ है, MR है 25, 4 काम हुआ है, 4 का शॉर्ट लग गया, पेमेंट कर दो 25,000, ठीक है। यहाँ पर 25 का रॉयल्टी है, मतलब काम हुआ है 25 का, 25 MR है, बराबर हो गया ना, ना तो शॉर्ट लगा ना ही वसूल हुआ, पेमेंट कर दो 25,000। यहाँ पर काम हुआ है 27,500 का, MR है 25,000, यहाँ पर अधिक काम किए हैं 2,500, तो इस 5,000 से 2,500 हम पूरा कर लेंगे, पेमेंट कर देंगे 25,000। यहाँ पर 30,000 काम हुआ है, MR है 25,000, अधिक काम किए 5,000, 5,000 यहाँ से ले लेंगे हम, पेमेंट कर देंगे 25,000। तो कुल वसूल हो गया कितना, 5 × 2 = 7, 7,500 वसूल हो गया है, शॉर्ट लगा है 5,000, 9,000, तो 9,000 में से जो है आपने वसूल कितना कर लिया है, 7,500, कितना वसूल नहीं हुआ है, 1,500, 5 साल का आपको समय था, 5 साल पूरा हो चुका है, इस 1,500 को क्या करो, PL में ट्रांसफर कर दो, ठीक है ना। आगे इसमें करना क्या सब है वो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग एंड लैंडलॉर्ड, 3 खाता आपको तैयार करना है। पहला खाता खोलना है रॉयल्टी का, रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी में क्या होता है, एक बार DR में होता है, टू लैंड लॉर्ड अकाउंट,
2008 कितना है मतलब रॉयल्टी? 20,000। और इसको पीएल में ट्रांसफर कर दीजिए आप 2008 में, क्योंकि पहला एंट्री होता है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, और लास्ट में होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। तो रॉयल्टी एक बार डीआर में होता है तो टू लैंडलॉर्ड, सीआर में होता है तो बाय पीएल। हर बार सेम एंट्री हो जाएगा इसी तरह से। 2009 में टू लैंडलॉर्ड, ये 21,000 है, और 2009 में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये 21,000 है। डबल लाइन खींच कर इसको लॉक कर दो, ठीक है ना। फिर 2010 में टू लैंडलॉर्ड ये है कितना, ये है 25,000। 2010 में बाय पीएल अकाउंट कितना, 25,000। फिर 2011 में टू लैंडलॉर्ड 27, यहाँ पे 27,500, और 2011 में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 27,500। और फिर 2012 में सेम हो जाएगा टू लैंडलॉर्ड 30,000। ये कुछ खास नहीं होता है, बहुत ही सिंपल होता है रॉयल्टी का। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 30,000, ठीक है। अगर आप कुछ दूसरा खाता तैयार करना है, क्वेश्चन कर रहा है लैंडलॉर्ड का, लैंड लॉर्ड अकाउंट, ठीक है ना। आइए हम बनाते हैं लैंडलॉर्ड अकाउंट, बस एक मिनट। लैंडलॉर्ड अकाउंट इसमें क्या होता है वो हम आपको समझा देते हैं एक बार। थोड़ा सा लाइनिंग टेढ़ा हो रहा है, थोड़ा सा आप लोग सही लिखिएगा, लेकिन ठीक है ना। डियर सियर, तो पहला एंट्री होता है व्हेन रॉयल्टी लेस देन फ्रॉम एमआर, जब रॉयल्टी एमआर से कम होती है। एंट्री होता है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड सीआर में है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2008 में बाय रॉयल्टी अकाउंट और बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। रॉयल्टी था 20,000, शॉर्ट लगा था कितने का, 5,000 का। और दूसरा एंट्री होता है लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैसिया बैंक, तो लैंडलॉर्ड डीआर में है तो टू बैंक कर देंगे यहाँ पे हम। टू बैंक अकाउंट कितना, 25,000 2008 में। हर बार इसी तरह से हो जाएगा, जब शॉर्ट लगेगा, और चूंकि 2009 में भी शॉर्ट लगा है तो बाय रॉयल्टी अकाउंट, यहाँ 21,000 हुआ था, वो लाइनिंग नहीं खींचे थे क्या हम, 25,000, ठीक है। और बाय शॉर्ट वर्किंग कितना का शॉर्ट लगा है, 4,000 का, यहाँ भी हो गया 25,000, पेमेंट कर देंगे हम, तो टू बैंक हो जाएगा 2009 में। तो बैंक अकाउंट कितना, तो 25,000। 2010 10 में क्या हुआ था, रॉयल्टी 25,000 हो गया था न, मतलब ना शॉर्ट लगा है ना वसूल करना है आपको, तो टू बैंक। दो हजार दस में कितना, 25,000 बराबर है, तो यहाँ डबल एन खींच के लॉक कर दो। फिर 2011 में क्या हुआ है, यहाँ पर आपने अधिक काम कर लिया है, तो बाय रॉयल्टी 27,500, 2011 में पेमेंट करना है 25,000, 2500 क्या करना है वसूल कर लेना है, तो टू शॉर्ट टू वर्किंग कितना, 2500 बराबर हो गया सारे, क्योंकि लैंडलॉर्ड अकाउंट में सीडी भी नहीं होता है, ठीक है ना। 2012 में रॉयल्टी हुआ था 30,000, रॉयल्टी अकाउंट कितना, 30,000, और चूंकि 2012 में
आपको पेमेंट करना है तो टू बैंक अकाउंट 25,000 और 5,000 क्या हो गया था, वसूल हो गया था, तो 200 टू वर्किंग कितना 5,000, यहाँ भी 30,000, यहाँ भी 30,000 इक्वल हो गया। एक लास्ट अकाउंट आपको तैयार करना है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का, आइए बनाते हैं शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट का एक ही नियम है, शॉर्ट लगता है तो डीआर में लिखिएगा आप लोग। 2008 में शॉर्ट लगा था तो टू लैंडलॉर, एक मिनट थोड़ा सा ये जंप कर रहा है, थोड़ा सा मैं इसे डाल देता हूँ। शॉर्ट लगाया कितना 5,000 का और 2008 में कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ बाय बैलेंस सीडी कर लेंगे। बाय बैलेंस सीडी कितना, यही 5 का 5। फिर 2009 में टू बैलेंस बीडी कितना 5,000, यहाँ पर फिर शॉर्ट लग गया है तो टू लैंडलॉर्ड लिखेंगे हम, कितने का 4,000 का, ये हो गया 5,000 9,000 लैंडलॉर्ड अकाउंट। फिर 2009 में बाय बैलेंस सीडी 9,000, 2010 में शॉर्ट लगा ही नहीं तो टू बैलेंस बीडी करेंगे हम 9,000, और 2010 में जो है यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी कर देंगे, यही 9 का 9, क्योंकि 9 10 में कुछ हुआ ही नहीं है, जितना था उसी को सीडी किए बीडी किए हम, फिर सीडी करेंगे। फिर 2011 में जो है टू बैलेंस बीडी कर देंगे कितना, ये 9,000। 11 में क्या हुआ था, वसूल हो गया था कितना 2,500 वसूल हो गया था, तो बाय लैंडलॉर्ड शॉर्ट लगने पर ध्यान दीजिएगा टू लैंडलॉर्ड होता है, वसूल होने पर बाय लैंडलॉर्ड होता है, ठीक है ना। लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना 2,500, ये है 9,000 है, 9,000 में से 2,500 वसूल हो गया, जो बच गया बाय बैलेंस सीडी कितना 6,500, ठीक है। हमको क्या करना है, एक साल का और तैयार करना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम क्या करते हैं, सीडी है ना, हम इसी में से अलग लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे। चलिए 2012 टू बैलेंस बीडी कितना 6,500, और 2012 में क्या हुआ है, वसूल हुआ है कितना 5,000, तो बाय लैंड लॉर्ड अकाउंट कितना 5,000, और पीएल में गया है ना तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 1,500। चलिए और तो कुछ नहीं है, ये भी इक्वल हो गया, यहाँ भी इक्वल हो गया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा, यदि आपके पास कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 8789046311, आप इस पर हमें कॉल करके हिंट्स ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।